सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, बस जीने का अंदाज होना चाहिए। कौन किस काबिल है ये कौन जानता है, जिसने कुछ किया ही नहीं उसे कौन पहचानता है। कौन किस काबिल है ये तो वक्त बताता है, जो वक्त की सही कद्र करना सही से जानता है। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। आज का पंचांग 20 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, रात्रि 12:43 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 6:55 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:36 से 5:11 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:03 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 20 अप्रैल 2021 दिन मंगलवार, आज का दिन समृद्धि के एक नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफी सोच कर भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं तो आज शुरू कर लें। आज आप जो भी करना शुरू करेंगे सफलता जरूर मिलेगी। आज होने वाले घटनाओं से आपके वित्त संबंधित नजरिए में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता कम होगी। किसी पारिवारिक मुद्दों को लेकर चल रही गलत फहमियाँ दूर होगी। घर में नवीनीकरण तथा परिवर्तन संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं भी बनेगी। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपनी रुचिपूर्ण कार्य के लिए भी निकालें, इससे सुकून मिलेगा। आप जिस परिस्थिति में हैं वहाँ आपको प्रगति नजर आ रही है और केवल अपनी इच्छा अनुसार कार्य आगे बढ़ता हुआ ना देख आपको चिंता सता सकती है। दूर दृष्टि रखकर लक्ष्य की प्राप्ति की योजना बनाने की आवश्यकता होगी। साथ ही अपने प्रयत्नों में तेजी लाने की भी कोशिश करें। आर्थिक आवक को बढ़ाने के लिए आपको नए लोगों के साथ जान पहचान और मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। पार्टनर द्वारा मनोबल बढ़ने के कारण आप रिस्क लेने से कतराएंगे नहीं। सेहत में सुधार लाने के लिए व्यायाम से आपको तुरंत बदलाव नजर आएगा। सावधानियां, बातचीत करते समय अभद्र भाषा का प्रयोग न करें। स्वयं पर भरोसा रखें, किसी की गलत सलाह आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। मित्र तथा निकट संबंधियों के साथ संबंधों में खटास न आने दें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के आपसी संबंध सुखद और सहयोगात्मक रहेंगे। किसी पुराने मित्र के मिलने से बेहतरीन यादें भी ताजा होगी। अच्छा, आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफी धीरज की जरूरत होगी। बहुत सारे मुद्दों पर बात ना करें, क्योंकि इससे आपके संबंध की शांति भंग हो सकती है। यहाँ तक कि बहुत छोटी छोटी असहमतियाँ भी गंभीर विवादों का रूप धारण कर सकती है। आज चुप रहना ही बेहतरीन उपाय होगा। शांति बनाए रखकर अपने संबंध की सहशक्ति में विश्वास रखें, मुश्किल समय भी गुजर जाएगा। बात करते हैं करियर की। आप कुछ समय से एक बदलाव पर विचार कर रहे हैं। आज आप एक ऐसे अवसर को देखेंगे जो आपको आकर्षित करेगा। सक्रिय रहें और निर्णय लें। आपको एक साक्षात्कार कॉल भी मिल सकती है। आपके आत्मविश्वास और विषय ज्ञान के साथ एक साक्षात्कार को उत्तीर्ण करना आपके लिए कभी समस्या नहीं रही है, तो पहला कदम उठाएं और निर्णय लें। एक सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय अपने धन का ध्यान रखें और सावधान रहें। इस समय वर्तमान परिस्थिति की वजह से धैर्य और संयम से काम लेना जरूरी है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखें। फोन द्वारा आपको महत्वपूर्ण ऑर्डर मिल सकती है।
नौकरी पेशा लोग अपनी कार्य प्रणाली में किसी भी प्रकार का बदलाव लाने की चेष्टा ना करें। बात करते हैं सेहत की। दिन की शुरुआत अच्छी सेहत से होगी। दिन के पहले कुछ घंटों का उपयोग शारीरिक मेहनत वाले व्यायामों में करना ना भूलें। शाम तक छोटी मोटी समस्याएं विशेष दांतों में उभर सकती है, इससे बचने के लिए कुछ प्रिय घरेलू नुस्खे आजमा सकते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि लगातार अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए आपको अपने खान पान के तरीकों पर भी बदलाव करना होगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।